नमस्कार दोस्तों, पार्ट साइल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए एक्सरसाइज 10.2 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो हम मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड बोलें या जैसे ही बोलें, बुरा मत मानिएगा, मेरा बचपन का आदत है इस टाइप का बोलने का, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू वेक्टर, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, देखिए मैग्नीट्यूड बहुत ही ईजी चीज़ होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी सी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जैसे ये a इज इक्वल टू सपोज डेट ये वेक्टर है, ठीक है। तो i j k इसके आगे जो भी स्केलर नंबर रहता है दोस्तों, यानी कि जैसे यहाँ 2 देखिए, 2 माइनस 7 माइनस 3 ये जो देख रहे हैं ये क्या है, स्केलर है। और 2i जो है वो क्या है, माइनस 7 j है, ये सब क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो स्केलर कहते हैं इसको और वेक्टर इसको कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड अब कैसे निकलेगा, बात तो अब कैसे किया जाए, चलिए एक्सरसाइज 10.2 को लिख लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 10.2, तो फाइंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ओके ये दिया हुआ, और बी इज इक्वल टू, और दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i माइनस 7 जे माइनस 3 के, ओके। और c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 बाई अंडर रूट 3 आई प्लस 1 बाई रूट 3 जे प्लस 1 बाई रूट 3 के, ओके। तो हम सबसे पहले a का निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैग्नीट्यूड का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो a वेक्टर है, तो बहुत ही इजी है, ठीक है, सॉरी बहुत ही इजी है मैग्नीट्यूड निकालना। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर i के आगे क्या है, 1 है ना, j के आगे 1, k के आगे 1, बस उसका क्या करना है, होल स्क्वायर सॉरी अंडर रूट करिएगा, उसके नीचे जो भी रहेगा i के आगे 1 का स्क्वायर प्लस फिर इसके आगे जो भी रहेगा उसका होल स्क्वायर करते जाना आपको, ठीक है। बहुत इजी होता है मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर में, इसलिए डरना नहीं एकदम भी। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे ना, कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1, तो क्या हो जाएगा, a मैग्नीट्यूड कितना निकला, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, रूट 3 होगा ना, तो यानी कि a मैग्नीट्यूड ऐसे। अब चलिए लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा, लेवल अब कैसे बढ़ेगा, b का जो है, b मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसके आगे 2 है, माइनस 7 है, माइनस 3 है, तो उसको आराम से अंडर रूट करिए, और 2 का, और यहाँ माइनस 7 है ना, तो माइनस 7 ही लिखिए, और फिर इसके बाद माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोस्तों, 7 संजा 14 हो जाएगा, ये सब इजी चीज़ है इसलिए हम तेज़ी से बता रहे हैं, ठीक है। 3 3 9, अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ दीजिए, तो चढ़ी जोड़ लेते हैं, तो 49 और 9 कितना होता है, 9 9 18, यानी कि 58, और 58 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों, 58 प्लस 4 62, तो यानी कि रूट 62 जो है इसका मैग्नीट्यूड निकला। अब चलिए सी का जल्दी से निकालते हैं, तो c जो है हमारा 1 बाई रूट 3 है, 1 बाई रूट 3 है, 1 बाई रूट 3 है, एकदम आराम से वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड का बेसिक चीज़ बताया जा रहा है आपको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर 1 बाई रूट 3 है ना, 1 बाई रूट 3 है, तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बाई 3 हो जाएगा ना। अब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3 3 3, ऊपर जितना भी है सेम टू सेम, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या करना है कि तो यहाँ पर जो है अंडर रूट है ना, तो 3 हो जाएगा ना, इसको ऐड करिएगा तो 3 बाई 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, रूट 3 बाई 3, इसको काटिएगा तो रूट 1 होगा ना, यानी कि 1, रूट 1 मतलब 1। अब चलिए बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है, बहुत ही इजी था। यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर लीजिए, ठीक है, उसका जो सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों आपको अपने तरफ से वेक्टर लेना है, ठीक है, तो कैसे लीजिएगा, तो अभी हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं ना, तो बोल रहा है कि ऐसा आपको वेक्टर लेना है जिससे एडिशन इसी टाइप से करे तो सेम मैग्नीट्यूड आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए i प्लस जे प्लस के ये ले लिए, तो इसके आगे 1 1 1 है ना, मान लीजिए एक a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल टू ये वेक्टर ले लिए,
और बी इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे तो सेम ही सेम, बस थोड़ा सा माइनस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर माइनस जे रख दीजिए, क्यों, क्योंकि इसके आगे वन भी है ना, माइनस वन का होल स्क्वायर कीजिएगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो ऐसे ही कर लेंगे एकदम आराम से, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखिए बता रहे हैं, एक ये हो गया और भी बता दे रहे हैं, मान लीजिए 2i लिखे, 2i प्लस जे प्लस के लिख दिए, तो यहाँ पर जो है आपको बस ये 2 जो है यहाँ पर बगल में, यहाँ पर खाली स्थान रखिए। आ गया समझ में दोस्तों, बता रहे अच्छे से और बता रहे हैं, यानी कि आप इसको देखिएगा कि जैसे 2 आप इधर भी लिख सकते थे, i प्लस जे प्लस 2k ऐसे ऐसे करके, जब एक ओ में 2 लिख रहे हैं तो उसमें भी एक ही ठो में जो है 2 लिखिए, बाकी जगह सेम टू सेम ऐसे ही रख दीजिए आगे, और इसी का फिर होल स्क्वायर करिएगा ना तो फिर सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ में। वैसे ही अगर इसका जैसे ये बनाए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करिएगा तो वैसे ही आ जाएगा। अब जो है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, आपको दो ठो वेक्टर लिखना है, ठीक है, दो ठो वेक्टर लिखिए जिसका सेम डायरेक्शन हो। तो अब इस कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है, ठीक है, तो सेम हमको डायरेक्शन कब आएगा, हम कौन सा वेक्टर लेंगे, तो एक ट्रिक है, बहुत इजी है ट्रिक, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमको यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है डायरेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन का ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसे एग्जांपल दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आप दो ठो वेक्टर लीजिएगा, दो ठो वेक्टर कैसे, देखिए यहाँ पर जिसका सेम डायरेक्शन होगा, तो मान लीजिए हम ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्या ले लिए, मान लीजिए ले लेते हैं आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि और दूसरा क्या लेंगे जो कि पता चलेगा कि सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसके आगे वन 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 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, तुम कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आसान क्वेश्चन है। तो बी इज़ इक्वल टू हम क्या लेंगे जिसका सेम डायरेक्शन आएगा, तो हम वही चीज़ लेंगे जो कि एकदम यहाँ पर सेम टू सेम रहना चाहिए, जैसे कि वन 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 है ना, तो यहाँ पर आप टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है, नहीं अच्छा से समझ में आया ना आपको, बता रहे थे कि हमको वैसा चीज़ आई जे के आगे रखना है जो कि कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, तो 7 ले रहे हैं तो सब में 7 रखेंगे, 7 7 7, ठीक है, तो ऐसा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा यही आपको एग्ज़ाम्पल लेना है तो कैसे पता चलेगा, प्रूफ करेंगे आप। तो मान लीजिए ये लिए थे, ये लिए थे, तो ये है ना, तो देखिएगा कैसे सेम टू सेम आ जाएगा, दोनों का वैल्यू एक ही जैसा आएगा, ठीक है, तो यानी कि रहना चाहिए क्या, सेम टू सेम, 2 ले रहे हैं तो सब में 2 2 2 रहना चाहिए। तो यहाँ लिए तो a इज़ इक्वल टू, यानी कि सेम 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 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, याद रहे, क्योंकि यहाँ पर 1 था 1 था 1 था, उसी केस में दूसरे केस में क्या रह जाएगा, 2 2 2 है तो 2 वहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ मैग्नीट्यूड इसका निकालिएगा अंडर रूट करके, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3, रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, रूट 3 होगा, बहुत इजी, अभी निकाले भी थे, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारा आया, अब बी इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए इसका अभी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो बी मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसको साइड रखते हैं, तो बी मैग्नीट्यूड इसका कितना निकलेगा दोस्तों, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 4, तो इसको जोड़िएगा तो रूट 12 होगा, तो रूट 12। अब देखना ये है कि क्या इसमें कोई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है क्या, ये देखना है। तो 12 देखिए, 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो देख रहे हैं ये 2 जो है वो पेयर में है, तो 2 निकल जाएगा बाहर और बच जाएगा रूट 3, ठीक है, तो यानी कि 2 रूट 3 हो रहा है ना। तो अब चलिए सेट करते हैं उसी फार्मूला पे, ठीक है, तो अब उस फार्मूला पे सेट किया जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 होगा ना दोस्तों, क्योंकि सेम 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 है सब में,
तो 2 बाहर कॉमन एक तरह से निकल जाता है, तो यहाँ पर अब क्या है 2√3। अब 2 2 कट गया तो यहाँ पर 1/√3। आप दोस्तों यहाँ पर अगर 5 10 कुछ भी लिख रहे हैं तो 10 यहाँ लिख रहे हैं तो सब में 10 10 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 लिख रहे हैं तो 1 1 1 सब में लिखना पड़ेगा, ऐसा समझ में दोस्तों। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब जल्दी चाहिए ना, समय बर्बाद हो रहा है। फिर इसके बाद जो है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो डैट द वेक्टर 2i+3j एंड xi+yj आर इक्वल। यानी कि आप क्वेश्चन तो पढ़ लिए इंग्लिश में, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम अच्छे से चलिए समझाते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या है कि हमको वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो वेक्टर हम दे चुके हैं, बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है 2i+3j और इसके ये दोनों क्या है इक्वल है, 2i+3j एंड xi+yj क्या है एक दूसरे में बराबर है इक्वल। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो बहुत इजी है, कितना इजी है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है इक्वल है, तो यानी कि x की जगह पर देखिए यहाँ पर i है ना, यहाँ पर भी i है, j है, j है, तो x की जगह पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ j की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3। अगर सपोज डैट यहाँ पर k रहता या जो भी चीज़ रहता तो हम नहीं लिख पाते, यहाँ पर देख रहे हैं सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, i और i मैच कर गया और j मैच कर गया, तो हम आसानी से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो ज़्यादा समझाना नहीं है, तो बहुत बच्चा जैसा क्वेश्चन था। तो अब चलिए यानी कि यहाँ पर 4 नंबर था ना, 4 नंबर में x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बन गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 5th नंबर में, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट, यानी कि शुरुआती पॉइंट है, ठीक है, 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7, यानी कि शुरुआत हुआ है 2 1 से और एंड कर गया, यानी कि ख़त्म हो चुका टर्मिनल पॉइंट -5 और 7, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, हम घबराएंगे नहीं, एकदम आराम से क्या करेंगे लिखेंगे। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5th नंबर में, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो करके यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लेट ए, जो हमारा जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, क्या नाम है पॉइंट का, इनिशियल पॉइंट 2 1 को हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट को 2i, ठीक है, 2i+3j, ओके। और वैसे ही अब बी, जो बी का जो पॉइंट है -5 और 7 जो है उसको भी ले लिए, -5i+7j, ओके। यानी कि जो ए है ये पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 2 3 और यहाँ पर -5 7 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को देख लीजिए, बोल रहा है हमको स्केलर और वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर कैसे निकलेगा दोनों का, यही है ना, सबसे पहले हम लोग वेक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा आप लोग तो देख के घबरा गए होंगे, बहुत ही ईजी है, कैसे, तो चलिए वेक्टर निकालते हैं। तो दोनों का हमको वेक्टर निकालना है, यानी कि एक से, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ जाके ख़त्म हो चुका, ठीक है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो ए बी निकालना हमको, तो ए बी कैसे निकलता है दोस्तों, यानी कि देखिए इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, ए बी, तो कैसे निकलेगा, तो -5 फिर वापस जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखिए -5 -2 7 -3 इस टाइप से होगा, ठीक है दोस्तों, याद रहे, यानी कि बी से ए माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से ए बी, वैसे ही हम लोग अब कैसे कैसे जो जो जैसे आई का पार्टी है उसको आई में ही लिखेंगे। तो -5 से जो है जा रहा है -5, फिर यहाँ वापस जा रहा है -2, ठीक है, और ये किसका पार्टी था, आई का पार्टी था, फिर बीच में प्लस दिए। अब जे का पार्टी लिखेंगे तो 7 -3, ठीक है, 7 -3
जे का पार्टी। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस सेवन आई हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस सेवन में से थ्री घटाएगा तो फोर जे, ठीक है, यानी कि ये हमारा वेक्टर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर निकल गया ना, तो अब ए बी तो वेक्टर निकल गया, हमको स्केलर निकालना है। तो स्केलर क्या होता है, देखिए हम पहले भी बताए थे कि आई कैप के आगे जो भी देख रहे हैं, वेक्टर के आगे जो भी डिजिटल नंबर जो है वो क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो यानी कि हमारा स्केलर कौन हो गया, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट, लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है स्केलर कौन हो जाएगा, माइनस सेवन और फोर, ये जो है क्या है, स्केलर। अब जल्दी से आगे पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं आगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। अब क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी सी, ठीक है, यानी कि ए जो है हमारा वेक्टर, वेक्टर दे दिया गया है, बी भी दे दिया गया और सी भी दे दिया गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सम करना, यानी कि एडिशन करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ देते हैं एकदम आराम से, चलिए कैसे जुड़ाएगा, कैसे जुड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, बहुत ईजी है। ए का दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो जो जो आई है तो बस आराम से आई वाला आई को पार्टी में आराम से जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है, देख करके अपने बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में फाइंड द सम है ना, फाइंड द सम, तो ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, आई माइनस टू जे प्लस के, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, और c इज इक्वल टू दिया हुआ है i माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के, ठीक है। यानी कि a b c दिया हुआ है, हमको आराम से हम जोड़ना है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो जल्दी से जोड़ देते हैं। तो देखिए i का जो जो पार्टी है उसको हम आराम से जोड़ेंगे, तो i के आगे क्या है दोस्तों, वन है ना, ये i के आगे क्या है, माइनस टू, ये i की जगह पर वन है, ठीक है, तो जोड़ लिए, वन यहाँ पर तो वन हो गया, ठीक है, और इसका यहाँ पर माइनस टू हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक और है सी, तो उसमें क्या है, यहाँ पर माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स लिख दीजिए, ठीक है। तो ये किसका केस था, आई का था। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जे में चलते हैं, तो जे में यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस टू है ना, तो यहाँ पर माइनस टू लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, प्लस फोर, तो प्लस फोर लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स लिख दीजिए, ये जो है जे का केस था। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्लस देंगे ऐसे ही। अब के की तरफ बढ़ते हैं, तो के में इसके आगे वन है और इसके आगे फाइव के, सॉरी फाइव है, तो फाइव लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस सेवन है, और ये के का पार्टी है, तो जल्दी से इसको आप क्या कर लेंगे, आराम से प्लस माइनस जो जो हो रहा है उसको कर लेंगे। तो यहाँ देखिए वन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का और एट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कर लिए, और इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो कि प्लस बड़ा है तो टू हो जाएगा, घटेगा, और यहाँ पर माइनस सिक्स, ये जे का हो गया, और इसमें सिक्स हो गया, सिक्स माइनस सेवन के। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए नॉर्मली, तो यहाँ माइनस सेवन हो जाएगा आई, और यहाँ पर माइनस फोर जे, और यहाँ पर माइनस के, ठीक है। ये हमारा हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, यही होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करना था, बहुत ईजी था। अब सेवन नंबर क्वेश्चन में है क्या दोस्तों, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको जो है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ, तो यूनिट वेक्टर का जो है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन में फार्मूला क्या होता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ ए जो है, ए वेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस टू के, आई प्लस जे प्लस टू के, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है दोस्तों
ऊपर क्या रहेगा, ए रहेगा, सॉरी ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे एकदम आराम से। तो सबसे पहले तो देखिए, ए तो हमारे पास तो है ही, रिक्वायर्ड में चाहिए ना, यूनिट वेक्टर निकालना है तो यहाँ पर ए तो हमारे पास तो है, यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन है, वन है, यहाँ पर टू है, तो आराम से आप क्या कर लीजिए, वन का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर भी वन का स्क्वायर और यहाँ पे टू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, और इसको ऐड कर लीजिए तो सिक्स हो जाएगा, यानी कि रूट सिक्स हुआ, ठीक है। तो अब उसके जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसके ऊपर जो है क्या था, आई प्लस जे प्लस टू के ना, यानी कि ए के जगह पर लिखेंगे ना फार्मूला के अनुसार, तो आई प्लस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट सिक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बाई जे बाई रूट सिक्स और प्लस टू के बाई रूट सिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, हो गया, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसे ही करना है। तो अब चलिए और निकालते हैं, और क्या है, एट नंबर, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यानी कि इसमें वही चीज़ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि पी क्यू है, वेक्टर जो है पी क्यू है, पी क्यू निकालना है। तो आपको यहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, यानी कि ये पी का पॉइंट्स है और ये क्यू का पॉइंट्स है, दे दिया गया है, ठीक है। और आपका यूनिट वेक्टर निकालना, तो हम पहले वाला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू था, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को जो है एक वैल्यू बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, पी क्यू निकालेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो हमारा जो पॉइंट है एट, यूनिट वेक्टर निकालना है इसमें भी, तो पी जो है ना वो कितना है, 1 2 3 है, और क्यू जो है वो 4 5 6 है, ठीक है। तो पी क्यू हमको निकालना है, तो पहले भी हम बता चुके थे कैसे निकालना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको पी वेक्टर आप दे दीजिए, आई प्लस टू जे, आई यहाँ पर क्यों होगा क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 2 j + 3 k, और q इज इक्वल टू 4 i + 5 j + 6 k, ओके। तो अब हम लोग पी क्यू निकाल लेंगे, पी क्यू वैक्टर। तो i का केस देखेंगे 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 से, यानी कि ऐसे पी क्यू अगर निकालना है तो कैसे होता है, 4 - 1, यानी कि ये i का केस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जे में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 5 - 2, ठीक है, ये के था। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 6 - 3, ये के का था, ओके। अब इसको आराम से माइनस कर लेंगे, तो 3 i हो जाएगा, और यहाँ पर 3 k, और यहाँ पर 3 k, ओके, हो गया ना। तो यानी कि पी क्यू हमारा जो है इतना निकला। तो अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, तो पी क्यू हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऊपर पी क्यू होता है बाई मैग्नीट्यूड पी क्यू का, तो सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैग्नीट्यूड जल्दी से निकाल लेते हैं, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तो ये है, अंडर रूट लिखिए फटाक फटाक फटाक, तो 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 9 9 9, तो 10 27, यानी कि इसको ऐड करिएगा तो 27 आएगा। तो 27 होता है क्या, आप देखते हैं कि इससे क्या निकल सकता है, फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 27 है ना, सॉरी, तो 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, तो यानी कि 3√3 हो जाएगा ना, यानी कि हम इसको 3√3 लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, तो अब फार्मूला में जो है हमारा रिक्वायर्ड, वो उसको बस पुट कर देंगे,
तो ऊपर तो नॉर्मल ही था, 3i प्लस 3j और प्लस 3k बाई मैग्नीट्यूड हमारा अभी निकला था कितना, 3√3। ठीक है, तो बस अब इसको जो है बांट लीजिए और 3 3 3 सब में कट जाएगा, देखिए कैसे होता है। तो 3i बाई 3 प्लस 3j बाई 3√3 प्लस 3k बाई 3√3 काट लीजिए, जो जो कट रहा है बस हो गया, आंसर हो गया। आप तो लिख ही लीजिएगा, बस ऐसे ही बनाना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आपको वैसे ही निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, जल्दी से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है 9th नंबर क्वेश्चन में कि फॉर गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, यानी कि वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको जो है ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ साफ साफ बोल दिया कि आपको उसी का वेक्टर निकालना है। ठीक है, वेक्टर उसी का निकालना है, यानी कि ए प्लस बी का वेक्टर निकालना है। तो क्या करिएगा, सिंपली कि यहाँ पर ए प्लस बी कर देंगे, जैसे यहाँ पी क्यू किए थे ना, तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो उसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन निकालना है, तो निकाल देते हैं, बहुत ईजी है, वही चीज़ है, वैसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का अलग है और क्या। तो अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 9 नंबर जल्दी से। तो ए इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k, ओके। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j और फिर इसके बाद माइनस k, ओके। तो यानी कि अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि a प्लस b का ही निकालना आपको यूनिट वेक्टर। तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो a प्लस बी हो जाएगा ये, फिर बाई मैग्नीट्यूड a प्लस बी, ऐसा में दोस्तों। तो ये दो ठो वैल्यू है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग एक ठो वैल्यू बना देंगे, क्योंकि दो ठो रहेगा तो हमको बहुत माथा होगा, इसीलिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस बी को निकालते हैं। तो a यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है ना, और b वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको सिंपली आराम से सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस जोड़ते, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस 1 होगा, क्योंकि i के बगल में कुछ है नहीं लेकिन छुपा हुआ है 1, तो ये i का केस है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन माइनस है ना, वहाँ माइनस 1 लिखेगा, प्लस 1 लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है। अब फिर वैसे ही ये जे का क्या था, अब के में आते हैं, प्लस 2 फिर प्लस 1, के का था ना, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पर माइनस के है। ठीक है, तो बस वैसे ही निकाल लेंगे, अब इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो जो कि आई हो जाएगा, और इसमें से काट देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर के में है, देखिए के में है, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा, तो आई प्लस के, ये हमारा a प्लस बी निकला दोस्तों। तो अब इसी का जो है हमको आराम से मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो चलिए, तो 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, तो सिंपली 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, √2 होगा ना, क्योंकि 1 प्लस 1 √2, बस यही करना है। और अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड था, तो इसके जगह पर हमको क्या रखना था दोस्तों, यूनिट वेक्टर जो है आपको पता है ना, इसके जगह पर हमको i, ठीक है, i कैप प्लस k रखना है, बाई ये मैग्नीट्यूड कितना निकला, √2, बस हो गया। अब इसमें इसमें बांट लीजिए, ठीक है, हो गया, ऐसे टाइप का, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। अब चलिए आगे बढ़िए, 10 नंबर, 10 नंबर में बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, तो उसमें भी यही निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड, सॉरी, ये वेक्टर दिया हुआ है तो वैसे ही निकालते हैं, चलिए, क्योंकि ये क्या निकालना है दोस्तों, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो लेट ए, 10 नंबर में क्या करिए ना, लेट ए, ये जो वेक्टर दिया हुआ उसको लिख लीजिए, 5i माइनस j प्लस 2k, ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर 25 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4, इसको ऐड करिएगा तो रूट 30 आएगा, ठीक है। तो रूट 30 लिख दीजिए। अब क्या करना है कि जो जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वैल्यू पुट करिए। तो क्या होता है, ऊपर ए होता है ना, तो ए की जगह पर लिखा हुआ यहाँ पर 5i, अब तो आप लोग स्मार्ट हो ही गए होंगे, समझ में आ रहा होगा, प्लस 2k बाई मैग्नीट्यूड 30 निकला, ये किए। तो अब इसको बांट लीजिए आप चाहते हैं तो, ये हमारा निकला, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना भी आया है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 units, ठीक है। तो वही चीज़ को लिख दीजिए जो भी चीज़ लिखा हुआ है बुक में, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 8 units, ठीक है। तो 8 units है, तो जितना भी हमारा निकला है वेक्टर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 5i − j + 2k बाय रूट 30। तो अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 × 5 = 40, ठीक है, नीचे रूट 3, अब माइनस है बीच में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 1 = 8, तो यानी कि 8j / √30, ठीक है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, बहुत आसान है। 8 × 2 = 16, तो 16k / √30, बस हो गया, और क्या आंसर, यानी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, जल्दी से ही मिलेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, गुड बाय, मिलते हैं फिर।